आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय सात। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय सात। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि पिछली घास के उगने के पहले दिनों में टिड्डियां उत्पन्न की गई और वह राजा की कटनी के पीछे ही की पहली घास थी। जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह तो निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा कि ऐसी बात अब न होगी। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यो दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा और आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म हुआ चाहता था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, थम जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह तो निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ऐसी बात फिर न होगी। उसने मुझे यो भी दिखाया कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है और उसके हाथ में साउल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साउल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इसराइल के बीच में साउल लगाऊंगा, मैं अब उनको न छोड़ूंगा, और इसहाक के उच्च स्थान उजाड़ और इसराइल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। तब बेतेल के याजक अमोस्याह ने इसराइल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इसराइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है, उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। आमोस तो यह कहता है कि यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। अमोस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वही रोटी खाया कर और वही भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में भी कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमोस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा, मैं गाय बैल का चरवाहा और गुल्लर के वृक्षों का छाटनेहारा था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के बीच से पीछे पीछे में से बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इसराइल से भविष्यवाणी कर, अब तू यहोवा का वचन सुन, तू जो कहता है कि इसराइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना, इस कारण यहोवा यो कहता है कि तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इसराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा।